नमस्कार, एस्ट्रोलॉजी प्रो चैनल में मैं दीपक लोहनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आने वाले नाग पंचमी के दिन हम किस प्रकार से कुंडली में बनने वाले काल सर्प दोष के निवारण हेतु कुछ कार्य कर उस योग का निवारण कर सकते हैं और जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की जो परेशानियां हैं उनसे हम बच सकते हैं, क्योंकि इस पूजा के निवारण का जो विशेष महत्व माना गया है वह नाग पंचमी के दिन का ही माना गया है। तो जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष बना हुआ है उस व्यक्ति को इस अवसर को गवाए बिना नाग पंचमी के दिन कुछ कार्य करने बहुत जरूरी है, जिससे वह स्वयं भी इस योग से मुक्ति पा सकते हैं या उसके बुरे प्रभावों में कमी ला सकते हैं, क्योंकि यह व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी हो जाता है कि वह अगर किसी भी कार्य को कर रहा है तो उस व्यक्ति को जितनी वह मेहनत करता है उस अनुसार फल नहीं मिल पाता है। तो उसी फलों की प्राप्ति के लिए उस व्यक्ति को जो अपनी कुंडली में काल सर्प दोष है उसका निवारण बहुत जरूरी हो जाता है। हालांकि इसका यज्ञ और बहुत बड़ा अनुष्ठान भी किया जाता है, लेकिन जो व्यक्ति इसे करने में असमर्थ है, चाहे उसकी फाइनेंशियल कंडीशन को लेकर या अन्य प्रकार के किसी वजह से वह इन चीजों को नहीं कर सकता है, तो उसे इस नागपंचमी के अवसर को गवाना नहीं चाहिए। यह जो नागपंचमी का दिन होता है यह काल सर्प दोष पूजा के लिए विशेष महत्वपूर्ण होता है। तो अगर आपकी कुंडली में भी यह काल सर्प दोष का निर्माण है तो आने वाले 13 अगस्त 2021 को आप उसके निवारण हेतु इन कार्यों को जरूर करें। तो आज की वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे। उससे पहले अगर कोई दर्शक चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं काल सर्प दोष आखिर क्या है। ये काल सर्प दोष इसका निर्माण कैसे होता है? कुंडली में अगर राहु और केतु के बीच में सभी ग्रह एक तरफ आकर बैठ जाते हैं, यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि राहु और केतु के एक तरफ आकर बैठ जाते हैं, कुंडली का एक तरफ का स्थान खाली हो और एक तरफ में आकर राहु केतु के एक साइड आकर सभी ग्रह बैठ जाते हैं, तो ऐसे जातकों की कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। यह व्यक्ति के जीवन में अनेक कार्यों में विलंब के साथ साथ अनेक प्रकार की परेशानियों को जन्म दे देता है। तो इसके निवारण हेतु हमें नागपंचमी के दिन को कुछ विशेष कार्यों के द्वारा हम इसका निवारण कर सकते हैं। और यह जो निवारण है यह निवारण बहुत आसान होता है और इसे आप स्वयं भी कर सकते हैं। अगर आप किसी अनुष्ठान को करने में असमर्थ हैं तो आप इन निवारणों से भी उसके बुरे प्रभावों में कमी ला सकते हैं। यह दोष व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में भी नकारात्मकता लेकर आता है, साथ ही साथ जातक की उन्नति में भी कई प्रकार की बाधाएं खड़ी हो जाती है। मेहनत के अनुसार व्यक्ति को फलों की प्राप्ति नहीं होती, ऐसे लोगों को सोते समय बुरे सपनों का सामना करना पड़ता है। अक्सर सपनों में नाग नागिन दिखाई देते हैं, ऐसे व्यक्तियों के स्वप्न में मृत व्यक्तियों को भी देखा जाता है। तो इनमें से कोई भी एक लक्षण व्यक्ति के जीवन में हो सकता है। वैसे हर भाव पर बनने वाला काल सर्प दोष अलग अलग प्रकार का होता है, या 12 प्रकार के काल सर्प दोष होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं इसके नागपंचमी के दिन के निवारण हेतु कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं काल सर्प दोष पर पूर्व में ही एक विस्तार पूर्वक वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन मैं आज आने वाले नागपंचमी के दिन व्यक्ति किस प्रकार से इसकी पूजा कर अपने कुंडली में बनने वाले काल सर्प दोष में उसके बुरे प्रभावों पर कमी ला सकता है, इस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। नागपंचमी के दिन अगर जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण है तो उस व्यक्ति को शिवलिंग पर दूध जरूर चढ़ाना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव के गले का हार माना जाता है नाग को, तो इसलिए आप नागपंचमी के दिन शिवलिंग पर दूध जरूर चढ़ाएं। दूसरा जो उपाय है, इस दिन भगवान शिव को चंदन और इत्र अर्पित करना चाहिए। तीसरा जो कार्य हमें इस दिन करना चाहिए, जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है ऐसे व्यक्तियों को किसी सफेरे से नाग नागिन का जोड़ा लेकर उसे पैसे देकर उस जोड़े को खरीद लीजिए आप, और किसी जंगल में जाकर उस जोड़े को आप आजाद कर दीजिए।
जंगल में उन जोड़ों को छोड़ देना है। यह कार्य भी काल सर्प दोष के निवारण के लिए बहुत असरकारक होता है। साथ ही साथ जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण है, उस व्यक्ति को अगर चाहे तो वह इसके निवारण हेतु अपने वजन के बराबर कोयला लेकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर सकता है। तो इनमें से अगर आप कुछ उपाय भी करते हैं तो उससे भी आपके जीवन में जो बुरे प्रभाव है काल सर्प दोष के, उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ काल सर्प दोष के निवारण हेतु नाग पंचमी के दिन शिव मंदिर में जाकर रुद्राक्ष की माला से भगवान शिव के मंत्र ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करना चाहिए। साथ ही साथ आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार शिवलिंग में जल का अभिषेक कर लेना चाहिए। अगर आप 108 लोटा जल शिवलिंग में अर्पित कर सकते हैं तो यह आपके लिए बहुत शुभ होगा। अब मैं आपको कुछ मंत्र बताने जा रहा हूँ जो हमें नागपंचमी के दिन शिव मंदिर में जाकर इनका 108 बार हर मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इसमें कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर आप शिव मंदिर में नहीं जा सकते तो आप अपने घर के अंदर जो मंदिर आपका है उसमें बैठकर भी इन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। पुरुष जातक इसे रुद्राक्ष की माला से ही करें। सैंग ही के विद्महि उग्र रूपाय धीमहि तन्नो राहु प्रचोदयात्। यह राहु का मंत्र है। आप इसे नागपंचमी के दिन जिस भी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष का निर्माण है उस व्यक्ति को जरूर इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। दूसरा जो मंत्र है केतु ग्रह के लिए वह है ओम सैंगिकेयाय विद्महि कबंद रूपाय धीमहि तन्नो केतु प्रचोदयात्। इस मंत्र को भी आपको इस दिन 108 बार जाप करना जरूरी है। साथ ही मैं आपको दो मंत्र और बताने जा रहा हूँ जो नागराज से संबंधित है, इनका भी आप जाप इस दिन अवश्य करें। ओम नागकुलाय विद्महि विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। और जो दूसरा मंत्र है ओम नाग देवताय नमः। इन चार मंत्रों का आप उच्चारण करके साथ ही साथ ओम नमः शिवाय मंत्र का भी 108 बार जाप जरूर करें। अगर आप यह सब कार्य नागपंचमी के दिन करते हैं तो आपके कुंडली में बना हुआ काल सर्प दोष आपको बुरे प्रभाव नहीं दे पाएगा, जिससे आपके जीवन में चल रही अनेक प्रकार की परेशानियों का समाधान होगा। तो आप आने वाली इस नागपंचमी को इन उपायों को जरूर करें। तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी थी, क्योंकि आज के समय में काल सर्प दोष से हर कोई व्यक्ति परेशान रहता है और वह अनेक लोगों के पास जाता है, बड़े बड़े अनुष्ठानों को करता है। तो आप इसे स्वयं भी इसका उपाय कर उससे मुक्ति पा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। जो दर्शक चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद।